खबर जनपद चमोली से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा स्टार्स कैप्स के और उत्तराखंड पर्यटन विभाग बोर्ड के सहयोग से 8 से 10 नवंबर तक नक्षत्र सभा की अगली कड़ी बेनीताल घाटी में आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह कार्यक्रम अद्वितीय खगोलीय अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी सत्र और सांस्कृतिक समर्पण का अनुभव प्रदान करेगा। इसी को लेकर जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे ने बताया कि प्रतिभागियों को इस बार शानदार टॉरिड्स उल्का वर्षा देखने को मिलेगा, साथ ही नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व के निकटता से स्थानीय वनस्पति और जीवों पर चंद्रमा के चक्रों के प्रभावों के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेनीताल में 3 दिनों तक चलने वाले नक्षत्र सभा में टेलीस्कोप से सूरज के दाग देखना, रॉकेट बनाना और उनको लॉन्च करना, टेलीस्कोप के काम करने आदि तरीके को समझना दिलचस्प कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। की बात करें तो यह तहसील कर्णप्रयाग में अवस्थित है वर्तमान में, और ये एक मेडोज के पास लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर एक पर्यटन विभाग के द्वारा इवेंट कराया जा रहा है 8-9-10 तारीख को नवंबर माह में, जिसका नाम है नक्षत्र सभा। इस जो जगह की महत्ता है इस बात से बढ़ जाती है कि यहाँ पर लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, मेडोज है, आसपास ट्रैकिंग के लिए स्थान है, स्टारस्केप जो एक फॉर्म है उसके माध्यम से यहाँ पर जो नाइट स्काई व्यू इनके एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और पर्यटकों को एक अलग लेवल पर ले जा करके उनको हम नाइट स्काई विजन और जो हमारे खगोल के हमारे जो और इवेंट्स हैं वो कराएंगे। इसके अलावा दिन में चाहे तो हमारे जो गेस्ट हैं या हमारे जो टूरिस्ट हैं वो सन वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं। और ये जो तिथि निकाली गई है ये इस प्रकार से निकाली गई है कि जो हमारे जो नेकेड आई से व्यू होने वाले जो हमारे ग्रह गोचर हैं वो भी दिख जाएँ।